मानना है कि जीत हार छोड़ो, शान से खेलो। अपना मानना है कि शान की माँ की आंख, यहाँ जान से खेलो। जान लो या जान दो। जानवर बनना पड़ता है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है, मुझे माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बनते हैं। मैं पोतिया को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने के फिराक में हमेशा थी मनिया। नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। बिठा मैंने। कवर करना, चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी आरामजादे दो थे।
किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं, तुम कहां वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बिंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूँ कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेल से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।